नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन जो कि वो 30 अप्रैल को ही समाप्त हो चुके हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि नवविवाहितों का लिए फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा, परंतु अब कब पोर्टल ओपन किया जाएगा ये अभी तक आपको स्पष्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहाँ कहा है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ये तो देख लिया होगा आपने पहले, एक समग्र आईडी से वंचित बहनें मई में बनेंगी लाडली, रजिस्ट्रेशन का दूसरा दौर चलेगा। ये तो आपने देख लिया था कि इसमें बताया था कि रजिस्ट्रेशन का दूसरा दौर भी चालू होगा, परंतु कब चालू होगा ये नहीं बताया था कल। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फिर से लाडली बहना योजना का पोर्टल ओपन किया जाएगा और वंचित महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अनोखा तीर में कहा था कि नवविवाहित के लिए खुलेगा लाडली बहना योजना का पोर्टल। मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान इन्होंने ये आदेश निकाला था। ये कब कहा था? मुख्यमंत्री ने परिणय सूत्र में बंधे 240 जोड़ों को वर्चुअल आशीर्वाद दिया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवविवाहितों के लिए लाडली बहना योजना का पोर्टल ओपन कर बहनों का पंजीयन करा जाएगा। बहन बेटी का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से ही लाडली लक्ष्मी योजना का भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह में जोड़े को किया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवविवाहितों के लिए लाडली बहना का योजना पोर्टल खुलेगा, परंतु कब खुलेगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। अभी तक इतनी अपडेट है कि बस इतना कहा है कि पोर्टल ओपन किया जाएगा, पर कब किया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। अगर कोई इसके बारे में अपडेट आता है तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट आए तो हम आपको सबसे पहले प्राप्त कर सके। धन्यवाद।